एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ इस वाला एसी के बारे में। जैसे कि आप लोग ये देख भी सकते हो एसी, इसमें फोल्ड क्या था। जैसे ही एसी को ऑन कर रहा है, मतलब ऑन कर रहे हैं, तो 3 मिनट बाद आउट रूम जैसे ही सप्लाई आता है, ठीक है, एमसीबी गिर जा रहा है। और एमसीबी जब गिरता है तो भाई जाहिर सी बात है कि कंप्रेसर में कोई दिक्कत है थोड़ा मोड़ा, तो मतलब इसका पंखा तो चलना चाहिए। जो फैन जो चल रहा है ये वाला फैन जो चल रहा है, तो थोड़ा मोड़ा तो इसका पंखा चलना चाहिए। थोड़ा भी नहीं चल रहा है ना, अब थोड़ा भी नहीं चल रहा था तो मुझे डाउट होता है यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कंप्रेसर में दिक्कत आएगा तो फैन नहीं चलेगा, फैन तो कम से कम चलना चाहिए। तो मैंने क्या किया दोस्तों, आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ इसको। चलिए बैक चलते हैं फिर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें फोल्ड क्या था, इसमें कनेक्टर का फोल्ड था। अभी इसका क्या फोल्ड था जिसकी वजह से एमसीबी गिर जा रहा था, आप लोग समझ भी चुके होंगे, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जानकारी जरूरी है ये वाली। पहले तो मैंने क्या करा था कि कंप्रेसर कनेक्शन हटा दिया, ठीक है, और सिर्फ पंखे मैंने सप्लाई दिया, पंखा चला ही नहीं और एमपीएल लिया 7-8 और बंद हो गया, ठीक है, एमसीबी गिर गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस कनेक्टर से कनेक्शन हटाया और सिर्फ पंखे का सप्लाई दिया, तो क्या हुआ, पंखा चल गया, 2-3 एमपीएल ले रहा था, ठीक है। तो मुझे समझ में आ चुका था एक कनेक्टर की वजह से ये एमसीबी गिर रहा है। उसके बाद मैंने कंप्रेसर का भी सप्लाई दिया। जब मैंने कंप्रेसर का सप्लाई दिया तो दोस्तों आप लोग दिखा देता हूँ, ये मेरा एमपीएल चल रहा है इसका कंप्रेसर, देखिए 2.3 ले रहा है, 4 ले रहा है, 6 ले रहा है एमपीएल, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्टर को चेंज कर देंगे, दूसरा कनेक्टर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और समझ में आ चुका हो आप सभी को इसमें फोल्ड क्या था, मैं आसानी से पता कर लिया। मान लो कि आप लोग सोचोगे यार यार ये तो बहुत आसान है, पता नहीं है, तब क्या करते हैं, कंप्रेसर को चेक करते हैं, फैन मोटर को चेक करते है ना, और आप सोचते कि साला कहीं एमसीबी तो नहीं खराब है। तो ये सब बहुत सारे रीजन होता है ना, इसकी वजह से मैं आप सभी को ये वाला वीडियो बना करके दिखाया हूँ एसी के बारे में। अब जा रहा मैं नया कनेक्टर लेकर के आता हूँ। फाइनली हमने दोस्तों जो कनेक्टर होता है हमने चेंज कर दिया है, और ये कनेक्टर किसी भी एसी के स्पेयर पार्ट पर आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और ये देखो, ये पुराना वाला कनेक्टर है जो कि मैंने इसको निकाल के बाहर फेंक दिया है और मैंने नया लगा दिया। इसी वजह से दोस्तों क्या हो रहा था, बार बार एमसीबी गिर जा रहा था, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह आपस में मतलब ज्वाइन कर दे रहा होगा, फिर करंट बना करके न्यूट्रल फेस आपस में चिपकता होगा, इसी वजह से ये एमसीबी गिर रहा था। फाइनली हमने पूरा कनेक्शन कर दिया है, एसी चल रहा है और ये देखिए एमपीआर ठीक ले रहा है। कनेक्टर यहाँ पे मैंने बदल दिया, ये वाला कनेक्टर लगाया, स्टेबलाइजर वाला, ये स्टेबलाइजर वाला कनेक्टर मैंने चेंज किया है, बाकी ये पुराना कनेक्टर ये रहा, मैंने साइड में फेंक रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, ठीक है, मैंने कनेक्टर भी लगा दिया नया ला करके। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भाई को सपोर्ट करना, भाई थैंक यू सो मच आप सभी का।